बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में बिहार के दो दल नहीं पहुंचे थे जिनका प्रतिनिधि बिहार में नहीं है। हालांकि एक दल से खुद उनके मुखिया प्रतिनिधि हैं, दो महीने उनका कार्यकाल बचा हुआ है, फिर भी नहीं बुलाई गई और उसको लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी। हम बात बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना को लेकर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्थन किया था। मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए और साथ ही उनकी जो एक मांग है उस मांग पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उनकी मांग थी कि निषाद समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए और जिस हिसाब से बाकी सभी लोगों को आरक्षण मिलता है उस हिसाब से निषाद समाज को उस कोटे में शामिल नहीं किया गया है। निषाद समाज आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बिहार में पिछड़ा है और फिर भी उसे उस तरह की बेनिफिट सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मुकेश सहनी जिसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और जिसके बाद उनकी उनके हाथ से सत्ता भी चली गई, ये तमाम चीज़ हुई। लेकिन एक बार फिर से मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना पर समर्थन किया है और कहा है कि 5 करोड़ जो उन्होंने ऐलान किया था जातीय जनगणना पर देने के लिए वो देंगे और सभी दलों से उन्होंने मांग भी की है कि जातीय जनगणना पर सभी दलों को पैसा देना चाहिए। बिहार सरकार और बिहार का जो खजाना है वो काफ़ी कमज़ोर है, आर्थिक रूप से बिहार पिछड़ा राज्य है जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री भी करते हैं। तो मुकेश सहनी ने इसी बात पर जोर दिया था और कहा था कि जब केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है तो अब हम लोगों को खुद से जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या तमाम लोग हो, जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार के समर्थन में हैं। वहीं मुकेश सहनी का भी ये मानना था कि जातीय जनगणना से बिहार की असली स्थिति पता चल पाएगी और इससे हमारे समाज के लोगों को भी फायदा होगा। अब मुकेश सहनी ने 5 करोड़ देने का ऐलान किया है तो फिर से एक बार उन्होंने सरकार को याद दिलाया है और कहा है कि जितने भी बिहार में राजनीतिक दल हैं सभी लोग इसमें स्वेच्छा से दान करें ताकि जातीय जनगणना पर सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में 500 करोड़ की योजना बनाई गई और कहा गया कि बिहार में 500 करोड़ जातीय जनगणना पर खर्च किए जाएंगे। लेकिन ये 500 करोड़ महज 500 करोड़ नहीं है, ये 2000 करोड़ तक भी जा सकता है और जिसके मद्देनजर सभी लोगों को दिया जाना चाहिए। एक सवाल और लगातार उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो आपातकालीन कोष है उसमें 500 करोड़ है और लेकिन बिहार का जो आपातकालीन कोष है जिसमें लगभग 8000 करोड़ रुपए की आसपास की जो राशि है वो जमा रहती है। ऐसे में अब जातीय जनगणना पर मुकेश सहनी ने अपना खजाना खोला है, 5 करोड़ का ऐलान किया है, बाकी दलों की तरफ अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और तमाम दलों को रुख करना होगा कि कितना वो लोग दे रहे हैं और जातीय जनगणना को लेकर जो उत्सुकता है क्या आर्थिक रूप से सहयोग करने में भी उतनी ही उत्सुकता वो लोग दिखा रहे हैं। चैनल के सब्सक्राइब कर लें, ओ ये वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।